नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आपका स्वागत है। नाउ दिस इज द रियल बिग डील, ऐसा कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, क्योंकि G20 समिट के अंडर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च हो चुका है और इसको लेकर भारत से ज्यादा USA एक्साइटेड है और सऊदी अरेबिया भी इसे खूब ज्यादा प्रमोट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए भारत को यूरोप से कनेक्ट करना चाहता है, जिससे भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया जा सके और चाइना की इकोनॉमिक हेजमनी को मिडिल ईस्ट से लेकर पूरे यूरोप तक डिस्ट्रॉय किया जा सके। दुनिया के इतिहास का ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है जिसके बन जाने के बाद भारत को ईरान और पाकिस्तान की जरूरत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और भारत डायरेक्टली सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप तक कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मेगा प्रोजेक्ट है क्या और USA इसको लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। और जब US और सऊदी के बीच रिश्ते खराब हो गए थे और सऊदी चाइना की गोद में बैठा हुआ था, फिर भी सऊदी इस प्रोजेक्ट में USA के साथ कैसे आ गया। और अंत में बात करेंगे गौतम अडानी की कि किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट से उनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है और वो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस वीडियो को 5 मिनट तक जरूर देखें, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर, ये USA का एक ऐसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से इंडिया को गल्फ कंट्री से कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जो लगभग 4 महीने पुराना है, USA एंड सऊदी डिस्कस मैसिव रेल प्रोजेक्ट विथ UAE एंड इंडिया। अब इसे देखकर इनिशियली यही लगता है कि कुछ छोटी मोटी पटरियां बिछा देंगे और कुछ छोटे मोटे ब्रिज बना देंगे इंडिया और UAE के बीच, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर प्लान ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे रेलवे ट्रैक बना दिए जाएं और उसके बाद अरब सागर में एक प्रॉपर सी कनेक्टिविटी के साथ ओमान के रास्ते UAE और इंडिया को कनेक्ट कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क और हाइड्रोजन की पाइपलाइंस भी डेवलप की जाएंगी, जिससे फ्यूचर में जब 1 सोलर 1 अर्थ 1 ग्रिड के माध्यम से इंडिया और यूरोप को कनेक्ट करना हो तो उसके लिए ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क डेवलप रहे। और आने वाला समय भी ग्रीन एनर्जी का होने वाला है। भले ही पेट्रोलियम सबसे कन्वीनियंट फ्यूल है, लेकिन अगर हमें पृथ्वी को बचाना है तो इसका यूज हमें कम से कम करना होगा। और भारत जैसा बड़ा देश ही ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल से लेकर अन इको फ्रेंडली फ्यूल बना सकता है, तो इसको भी यूरोप तक पहुंचाने के लिए हाइड्रोजन पाइपलाइंस भी डेवलप की जाएंगी। इस मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से USA इंडिया की डिपेंडेंसी ईरान के चाबहार पोर्ट से खत्म कर देना चाहता है, क्योंकि ये भारत के लिए इकलौता ऐसा पोर्ट है जिसके माध्यम से भारत गल्फ कंट्रीज और यूरोप तक पहुंचता है। लेकिन ईरान के साथ USA और इजराइल दोनों के ही रिश्ते काफी ज्यादा खराब हैं और ईरान एक FATF की ब्लैक लिस्टेड कंट्री भी है। जब USA ने बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी में US-ईरान न्यूक्लियर डील साइन करी थी, तभी से सऊदी USA से नाराज चल रहा है। और इसके अलावा जब 2018 में एक जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की हत्या हो गई थी, तब भी US ने डायरेक्टली इसका जिम्मेदार सऊदी के प्रिंस को ही ठहराया था। रशिया यूक्रेन वार के समय भी जब अमेरिका ने सऊदी से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने और प्राइसेस कम करने के लिए कहा था, तो सऊदी ने अपनी पॉलिसीज को चेंज करने से मना कर दिया था और अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि वो US इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे और सभी OPEC कंट्रीज को US डॉलर में ट्रेड करने से मना कर देंगे, जिसके बाद ऐसा माना जाने लगा था कि सऊदी चाइना की गोद में बैठ गया है, क्योंकि वो चाइना को चाइनीज करेंसी युआन में ऑयल सप्लाई कर रहा है, साथ ही साथ चाइना की CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर $10 बिलियन का इन्वेस्ट करके पाकिस्तान के ग्वादर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी बना रहा है। यानी सऊदी कहीं न कहीं चाइना की स्ट्रेटेजिक हेल्प कर रहा है और चाइना भी सऊदी US के बीच खराब रिलेशन का फायदा उठाकर सऊदी और ईरान के बीच मीडिएटर का काम कर रहा है और खाड़ी देशों में अपना दबदबा बना रहा है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से USA सऊदी को फिर से अपने पाले में लाना चाहता है, जो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ USA मिडिल ईस्ट में चाइना के इन्फ्लुएंस को भी खत्म कर देना चाहता है। और दोस्तों इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम, जिसके माध्यम से चाइना अदर कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसाता है और उनको मनमाने ढंग से यूज करता है। तो USA मानता है कि इस प्रोजेक्ट के आ जाने से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम के साथ साथ CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा
और छोटे छोटे देश भी इस IMEC प्रोजेक्ट से जुड़ते जाएंगे, जिससे चाइना की इकोनॉमी को बर्बाद किया जा सकता है। और इसीलिए USA इस प्रोजेक्ट को इतना अग्रेसिवली प्रमोट कर रहा है, जिससे इंडिया को गल्फ कंट्रीज इवन यूरोप तक व्यापार करने में काफी आसानी हो जाए, जिससे चाइना की इकोनॉमिक हेजमनी को तोड़ा जा सके। और दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि क्यों ना हम गल्फ रीजन में रेल बिछाने के साथ साथ अरब सागर में भी एक ह्यूमंगस रेल ब्रिज बनाकर इंडिया और गल्फ को कनेक्ट कर दें। तो देखिए, आज से लगभग 5 साल पहले से ही UAE इस प्लान पर काम कर रहा है और ये इसे अचीव भी करेंगे, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसीलिए अभी के लिए IMEC के अंडर यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट बना दिए जाएंगे, जो स्पेशली इंडिया के कार्गोज को ही संभालेंगे, और इंडिया को कुछ भी एक्सपोर्ट करना है तो वो गल्फ कंट्रीज के माध्यम से ही करने वाला है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी मेन मार्केट यूरोप ही है, और अगर भारत यूरोप के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाता है तो भारत यूरोप का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी बन सकता है। तो फ्यूचर में अगर हमें कुछ भी यूरोप में एक्सपोर्ट करना है तो हमारा कार्गो सीधे गुजरात या मुंबई से शिप के माध्यम से गल्फ कंट्रीज में चला जाएगा और गल्फ से रेल के माध्यम से पहुंच जाएगा इजराइल के हाइफा पोर्ट, जिसे हमारे ही देश के बिजनेसमैन गौतम अडानी ओन करते हैं। अडानी की ये इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, क्योंकि फ्यूचर में हाइफा पोर्ट काफी ज्यादा बिजी होने वाला है, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट अडानी को ही होने वाला है। तो इजराइल के हाइफा पोर्ट से मेडिटेरेनियन सी के माध्यम से हम यूरोप का डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं और अपना सामान इजिली यूरोप तक पहुंचा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आने वाले 5 से 6 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा, और इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद गल्फ के लिए इंडिया की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और इंडिया के साथ साथ खाड़ी देशों में भी एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, अगर अब आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही ज्यादा बड़ा है तो इसको बनाने के लिए ग्रुप क्यों नहीं फॉर्म कर लेते, तो देखिए, इसके लिए ऑलरेडी एक ग्रुप बन चुका है, जिसको आप I2U2 के नाम से जानते हैं। I2 का मतलब होता है इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब होता है USA एंड UAE। ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, बट ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है वो इसी I2U2 के अंदर ही डेवलप होने वाला है। और इस समिट के अंडर ऑलरेडी UAE ने इंडिया में इंटीग्रेटेड फूड पार्क डेवलप करने के लिए $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस किया है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस स्टार्ट है, रियल आइडियाज काफी ज्यादा बड़े हैं, जिसका इम्प्लीमेंटेशन आपको आने वाले समय में दिखेगा। और ये प्रोजेक्ट प्रायोरिटी बेसिस पर इंडिया के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना USA और सऊदी के लिए है, क्योंकि अगर इंडिया को गल्फ से कनेक्ट नहीं किया जाएगा तो USA चाइना के लिए पूरे यूरोप को खुला छोड़ देगा। इसीलिए ये USA का एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसके माध्यम से वो चाइना को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला है। दोस्तों, आई होप ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।